चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने वापस ये एग्जांपल जो लिया है कि इस वर्ड की वजह से लिया है। मिला डिस्टेंस खतरनाक चीज, यहाँ पर हमेशा स्टार लगा लीजिए। मैंने ना डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं देखा अभी तक अपन ने। मैथ्स आपका साथ दे, पैरामीटर आप निकाल सकते हैं तो आप डिस्टेंस निकाल दीजिए। डिस्टेंस इज अ पैरामीटर ऑफ अ पाथ। तो ये हमारा एक कंसेप्ट था। एक हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन के अंदर इफ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए भी हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं यदि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तो। इसका मतलब यहां पर मैंने देखा पार्टिकल एक्स एक्सिस पर चल रहा है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। तो यहां पर हम उस चीज को देख सकते हैं। पहले मैं आ जाता हूं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। ये हमेशा सिर्फ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा, और इसका हमने फॉर्मूला भी देखा और ये इसकी डेफिनेशन भी है। तो हमने बोला चेंज इन पोजीशन। तो यहां पर यदि हम देखेंगे तो फाइनल पोजीशन की बात करें तो फाइनल पोजीशन इज टी क्यूब बाय 3 माइनस 5t स्क्वायर बाय 2 प्लस 60। तो इसका फाइनल पोजीशन यहां पर अपने पास कितना आएगा, यहां यदि 3 रख देते हैं, फाइनल 3 सेकंड पे पूछा गया है, तो इसका लिए आ जाएगा 9। ये आ जाएगा 945 बाय 2 दैट इज 22.5 और ये आ जाएगा 18। तो इसका मतलब ये हो गया 27 माइनस ऑफ 22.5, तो इसका मतलब फाइनल पोजीशन इज 4.5। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। अगर यहां मैं 0 डाल दूंगा तो इनिशियल पोजीशन इज 0। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बहुत इजी है 4.5 मीटर, और 0 4.5 माइनस 0 तो एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो चाहे तो आई डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन भी नहीं कराया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हो, पहले भी कर चुके हो। अपन ने क्वेश्चन किया डिस्टेंस की वजह से। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस जो है वो बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। इसके लिए यदि हम देखें, मैं वापस पूरा का पूरा रिवाइज कर रहा हूं पिछले क्वेश्चन वाला ही। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होगा अगर पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सही है ना। पार्टिकल यदि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अब मुझे डायरेक्शन चेंज कर चेक करना पड़ेगा कि डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके लिए मैंने आपको एक चेक पॉइंट बताया था। मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा कहीं वेलोसिटी जीरो तो नहीं है। और मैंने यह भी बताया था कि वेलोसिटी जीरो होने का मतलब 100% डायरेक्शन चेंज हो रही होगी जरूरी नहीं है। मैं यहां रुका, पॉज लिया और वापस उस डायरेक्शन में भी चल सकता हूं। तो इसका यह मतलब हो गया कि वेलोसिटी जीरो होने के बाद अपने को चेक करना पड़ता है कि उसके पहले और उसके बाद वेलोसिटी का साइन क्या है। तो ये पहला चेक है। जहां भी डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस खतरनाक चीज है, आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा कहीं वेलोसिटी तो जीरो नहीं हो रही है। इसलिए मैंने वेलोसिटी यहां पर देखी, तो मैंने वेलोसिटी यदि यहां देखी तो 3t² / 3 यहां आएगा 5 × 2t / 2 + 6। तो इसका यह मतलब है कि यह मेरे लिए आ गया v = t² - 5t + 6। तो इसको लिख सकता हूं v = t - 2 and t - 3। तो इसका मतलब वेलोसिटी विल बिकम 0 एट 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। 0 से 3 सेकंड के बीच में मेरा 2 सेकंड आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे कि 2 सेकंड पर शायद ये डायरेक्शन चेंज कर ले, शायद, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा t = 2 सेकंड पे। मैंने क्या बताया था कि 2 के जस्ट पहले वेलोसिटी का साइन देखते हैं और 2 के जस्ट बाद वेलोसिटी का साइन देखते हैं। यदि ये दोनों साइन सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब पार्टिकल ने पॉज लिया और उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर गया। और यदि ये साइन अपोजिट आ जाते हैं तो अपोजिट का मतलब ही ये हो गया कि डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो देखता हूं, अगर मैं 2 से जस्ट बड़ा रखता हूं, 2 से जस्ट बड़ा 2 पॉइंट समथिंग, जितना छोटा रखना हो रख दीजिए, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग माइनस 2 जो आएगा ये पॉजिटिव टर्म आएगा, 2 पॉइंट समथिंग माइनस 3 जो आएगा वो नेगेटिव टर्म आएगा। तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव बन रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी t > 2 सेकंड पर वेलोसिटी इज नेगेटिव।
चलिए लेस देन टू रखते हैं, टू से जस्ट छोटा रखते हैं, तो ये 1.8, 1.9, 1.9999 कुछ भी रखिए, 1.99 रखा माइनस ऑफ 2 किया तो इसका इट विल बी अ नेगेटिव टर्म, 1.99 माइनस 3 किया तो ये भी नेगेटिव टर्म, दो नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, इसका मतलब टी ग्रेटर देन 2 से सॉरी टी ग्रेटर देन 2 पर क्या आया नेगेटिव, तो टी लेस देन 2 सेकंड पर इट वॉज पॉजिटिव, इसका मतलब 2 सेकंड से पहले ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था और 2 सेकंड के बाद ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब 2 सेकंड पर कंफर्म इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, अगर 2 सेकंड पर डायरेक्शन चेंज हुई है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो सिर्फ तब तक बराबर होते हैं जब तक इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई हो, तो इसका यह मतलब हो गया कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, और डायरेक्शन कब चेंज हुई है 2 सेकंड पर, तो मैंने डिस्टेंस निकालना है लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं 0 से 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुई थी, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई थी तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर आ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर आ रहे थे 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड तक फिर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, 3 सेकंड के बाद शायद हो सकती थी लेकिन मेरा क्वेश्चन 3 सेकंड पर खत्म हो गया इसलिए मैं आगे नहीं देख रहा हूं, तो इसका मतलब 3 सेकंड पर 2 से 3 सेकंड तक अगेन पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसी वजह से मैंने वापस 2 डिस्प्लेसमेंट निकाले 2 से 3 सेकंड तक का, और जो ये वैल्यू आएगी इसी को अपन डिस्टेंस के बराबर कर देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये एक तरीका है स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस निकालने का, बाकी डिस्टेंस का कोई तरीका नहीं है, पैरामीटर फॉर्मूला मैंने कुछ नहीं बताया, हाँ अगर आप मैथ्स में पैरामीटर निकालना जानते हैं कैसे भी निकालना जानते हो इंटीग्रेशन से जो भी तरीका है आपके पास तो पैरामीटर इज अ फॉर्मूला, बाकी उसके अलावा आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए। चलिए अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आर टू माइनस आर एट जीरो प्लस पोजीशन एट थ्री माइनस पोजीशन एट टू, मैंने पोजीशन एट थ्री सेकेंड निकाली हुई है 4.5 और पोजीशन एट जीरो भी निकाली, जीरो सेकंड पर भी निकाली हुई है, जीरो आ रही है, मेरे पास सिर्फ पोजीशन है 2 सेकंड बाकी है तो मैं निकाल लेता हूं पोजीशन है 2 सेकंड, यही निकाल लेते हैं, तो पोजीशन है 2 सेकंड की यदि अपन बात करें तो पोजीशन है 2 सेकंड की यदि अपन बात करेंगे तो क्या आएगा 8/3 माइनस ऑफ 5 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 12, चेक कीजिए ठीक है ना, तो मेरे पास यहां पोजीशन आ रही है 12 सही है, तो माइनस 10 ये 2 तो इसका मतलब ये हो गया 8/3 प्लस ऑफ 2, माइनस 10 प्लस 12 को प्लस 2 लिखा जा सकता है तो ये आ गया 14/3, 14/3 को नियरली अपन ने लिख दिया 2.666, मैं अप्रोक्सीमेटली काम चला लेता हूं 2.6666 अप टू इनफाइनाइट है 2.67 लिखना चाहे लिख दीजिए, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट देना चाहता हूं मैथ्स नहीं सिखा रहा, तो मैंने बोला यहां पर यदि अपन देखेंगे तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस की यदि अपन अब बात करेंगे तो पोजिशन एट 2 इज 3 सॉरी यहां कैलकुलेशन गलत हो गई है 4.66 आएगा ठीक है ना 4. अगर यहां देखेंगे अपन तो इसका लगे 4.66 से रिटर्न किया है नियरली अपन ने इसको 4.67 लिख दिया ठीक है ना, आर ऑरिजिन की यदि अपन बात करें तो और ऑरिजिन मेरे पास कितना था सॉरी जीरो पर कितना था तो जीरो मैंने रखा तो पोजीशन मेरी कितनी थी जीरो, तो आर एट 2 सेकंड माइनस आर एट 0 सेकंड तो 4.67 माइनस 0, ये डिस्प्लेसमेंट निकाला है मैंने लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, प्लस आर एट 3, आर एट 3 कितना है 4.5, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि पीछे रिटर्न कर रहा है लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो अपन इसका मॉड ले लेंगे दिख रहा होगा कि ये नेगेटिव आएगा, अगर मैं इसको विद साइन ऐड कर दूंगा बिना मॉड लिए या नेगेटिव कंसीडर करते हुए तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब इन दोनों का एडिशन अगर इसको साइन के साथ ले लेता हूं तो ये आएगा मेरे पास डिस्टेंस ठीक है ना, यदि यहां अपन देखेंगे तो ये चीज होगी मेरे पास 4.67 एंड प्लस ऑफ माइनस मॉड ऑफ माइनस 1.7, तो
तो इसका लग गया अपने पास आ गया नियरली, क्योंकि मैंने 6-6 को राउंड ऑफ कर दिया तो 14, ठीक है ना, 1.7, सॉरी 7.37 इज इट्स डिस्टेंस सेवर, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन इसकी, मैंने लगा 4.67 है आपके पास, ये आपके पास कितना आ रहा है 4.5, तो इसका लग जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 0.17, सॉरी यही गलती हो गई, माइनस ऑफ 0.17। तो माइनस ऑफ 0.17 को यदि अपन ने देखा तो इसका लग गया अपने पास आ जाएगा 14 और 8, तो इसका लग गया आ जाएगा 4.87 मीटर्स में, 4.84, तो 4.84 मीटर इज द डिस्टेंस सेवर।